न्यू व्लॉग। आज व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मम्मा आज बहुत बिजी है। तो अभी देखिए मैं इसे खूब तरह खेल रहे हैं, वो देखिए किधर से घूम रही है, मैं भी घूम रहा खेल रहा हूँ अभी। चलिए खाते मम्मा क्या कर रही है। तो गाइस मैं रहती हूँ मम्मा। मम्मा क्या कर रहे हो, इधर दिखा दे रहा बाबू, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दोपहर हो रही है अभी। और अभी रोटी बन रही है और सब्जी खा गई वो कटोरी है ढकी हुई, वही सब्जी है। देखिए मेहंदी अम्मा और ये आलसी ऐसे भी खेलती रहती है और वहाँ टीवी चल रही है, ऐड आ रहा है। ओए ईशू, ईशू क्या कर रही हो? आजा मैं भी, मैं भी आजा, मैं भी घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे कहीं देखो घूमर घूमर करती है। आजा थोड़े घूम रहे घूम रहे घूम रहे गाइस तो कर रहा है। इसको तो खेलते मेरे को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि घूमर घूमर वाला गेम खेलती है। सो गाइस आज 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 एक सरप्राइज है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस एक सरप्राइज है जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने साइकिल मॉडिफाई होने के लिए दी थी, तो आज शायद वो आ जाएगी। अगर नहीं आई तो कल तक का इंतजार करेंगे क्योंकि पापा ने बोला है, मेरे पापा ने बोला है या शाम को जाकर दुकान पे जाकर देखेंगे इस पूरी साइकिल बन गई कि नहीं। अगर बन गई होगी तो लाएंगे, मजा आएगा, देखेंगे इतनी मॉडिफाई हुई है। अगर नहीं होगी तो बैड लक, कल सुबह मिलेगी। चलिए मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, आज मिलते मजा आ जाए। मेरी सीधी अक्सर फड़फड़ा रही, उल्टी अक्सर फड़फड़ा रही, सीधी फड़फड़ा ली। और ये इनका चालू है हर समय खेलना। इधर आ खेल लिया करो, आइए आइए बता देख संभालो, खेलना कूदना मजा है। ये देखो 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 टीवी देखते हुए नाच रही है, देखो ये देखो ये 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 ये। सो गाइस कल सुबह बताऊँ वहाँ पे एक उस जगह जहाँ पे मेरी गुली है वहाँ पे खूब सारी बोरियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, उधर काम चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी बोरी पड़ी हुई थी। तो जब सुबह बोरी को हटाया गया तो बताऊँ यहाँ पे एक पता नहीं एक कुत्ते ने एक बच्चे पैदा करे थे तीन तीन, यहाँ पे छोटे छोटे पिल्लू थे, बच्चे पैदा करे थे उसने तीन तीन पिल्लू, और मेरे कुत्ते थे, मतलब फीमेल कुत्ता फीमेल होगी। यहाँ पे तीन तीन कुत्ते पड़े हुए थे यहाँ पे और एक उधर और एक उधर, लेटा हुआ था वो सो रहा था, मुझे लगा मर गया है लेकिन नहीं। और फिर उसकी अम्मा आई, फिर यहाँ से उसको मुँह में डालकर एक को मुँह में डालकर उधर से वो जो नाली है उसके अंदर से अंदर यहाँ पे ला कर रख दी, फिर दूसरे को वापस रिपीट करके यहाँ ला कर रख दी, ये जो रैप है इसके अंदर नाली के अंदर, नाली के अंदर यहाँ से वहाँ से आकर ये जो दिख रहा आपको उसी के अंदर रख दी। और फिर एक और कुत्ते को अभी लेके आई, फिर उधर रख दी पिल्लू को, फिर यहाँ पे नाली के अंदर रख दी। और कल मैंने देखा भी उसको कितना प्यारा था, छोटा छोटा एकदम, बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। कल मैंने देखा भी उस नाली के अंदर, चाहे तो उस घर के अंदर उस नाली के अंदर है, चाहे तो उस नाली के अंदर है। मैंने उसको खोल के देखा था, उसको भी खोल के देखा था, तो खूब सारे पिल्लू, तीन तीन के पिल्लू थे, दो पिल्लू वहाँ बैठे हुए थे और एक पिल्लू अपनी मम्मा के पास। जब वो दो चार दिन में बड़े हो जाएंगे ना क्योंकि तक खेलेंगे बाहर आने लगेंगे ना, फिर खेलेंगे फिर मज़ा आता है। वही उसी नाली में भी वो सो रहे होंगे, देखिए कब पता आ गई नहीं साढ़ पाता। चलिए गाइस मिलते हैं आपको शाम को जब
शाम को जब मैं खेल जाऊंगा उसके बाद फिर साइकिल आएगी मेरी, मजा आएगा। बाय। सो गाइस अभी मैं और ईशु नहाने जा रहे हैं, आज खूब गर्मी हो रही है, इसको मजा आता नहाने में। मैं को दिखाऊंगा इसको मैं कैसे नहाता हूँ। अभी नहाने जा रहे हैं, गर्मी आज बहुत है ना, है ना अम्मा, गर्मी बहुत है आज यार। मम्मा भी नहाएगी हमारे नहाने पर, कदरा दर खाना खा लेंगे। तो गाइस खाने में है मेन्यू में रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ अचार भी। इतना खेलने शुरू हो गया ये बंदा, कितना खेलते रहती है, इनकी बैटरी कभी लो ही नहीं होती, बता दे कितना खेलती कूदती है। चलिए नहाते हैं, दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं इसके कपड़े उतारने जा रहा हूँ, बेड पे खड़े कर देता हूँ, इसके कपड़े उतारता हूँ मैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कपड़े उतार करके मैं। चल बड़ा भाई रखा हूँ, कितने टाइट कपड़े हैं, तेरे को दर्द नहीं होता क्या टाइट कपड़े पहन के? ला दो निकालना मुश्किल होगा। चल पहले इससे करता हूँ, मजा नहीं निकलेगा। निकल गया फाइनली, चल निकल 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 निकल। अबे यार निकल निकल निकल। ओह चपड़ी बनी चपड़ी चपड़ी बनी चपड़ी चपड़ी मेरी चपड़ी मेरी चपड़ी मेरी चपड़ी। सो फ्रेंड्स फ्री हो गए हैं पूरी तरीके से, खाना खाने जा रहे हैं अब, काम मेरा ख़त्म हो गया है। बेटा देखिए मैंने बाल तक नहीं छाड़ा, बस नहा धो के फटाक से आके कपड़े फैला कर, और अब देखिए टाइम कितना हो रहा है, आपको दिखा दे, आपको दिखा पाई थी 1:30 बज रहा है। और सुबह मैंने आज कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी खाली, चाय के साथ कभी कुछ ले लेते थे लेकिन आज वो भी नहीं लिया मैंने, और इतनी कस के भूख लगी है मुझे। चलिए गाइस दिखाते हैं वो क्या खा रहे हो। तो मैंने देखिए बनाया था दाल सब्जी चावल और रोटी, यही खाने जा रहे हैं, भूख बहुत कसके लगी है। और टीवी सिंचन चल रहा है एज यूजुअल, अभी इसमें लगेगा साउथर्न इंडिया। सो गाइस कल शाम की तैयारी हो रही है, कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ का स्पेशल कल करवा चौथ का वीडियो आप लोगों के पास होगा। और कल सामान के कल के लिए सामान हम ले आए हैं ढेर सारा, और वो रखा हुआ है पूरा सामान पूजा की सामग्री पूजा के स्थान पर। और कल कौन सी जा रही है? हाँ कल इसकी साइकिल आ रही है, बार बार कितनी बार बोलेगा ये थे। अरे खुशी हो रही है, तो ये खेल के आ चुकी हूँ और ईशु जी सो गई। आज की तरफ हो रहा है 7:01, 7:05 हो रहा है, मेरे कान में खुजली हो रही है और ईशु जी सो रही है। ईशु की तबीयत ठीक है, इसका जुकाम हो गया फिर से जुकाम हो गया जिसको, और ये इतना पंखा चला रहा है, देखो पंखा चला रहा है तो ठंडा लग रहा है, इतनी कसर से पंखा चला दिया है, उसका चली का पैर हाथ ठंडा हो गया है। अरे गर्मी लग रही भाई। और आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा, मुझे एक मिनट भी आराम करने को नहीं मिला इसकी वजह से, और प्लस इसकी वजह से दोनों लोग मुझे 36+8 कितना होगा कमेंट में लिख के बताइएगा। तो आज मुझे जरा सा भी पी रखने को मौका नहीं मिला, क्योंकि कितना बजट होगा 36+8 वो कमेंट में लिख के गाइस बताएंगे कितना होगा, क्योंकि बोलने क्योंकि रात के 3 बजे से हम लोग उठे हुए हैं। हम डुगू क्योंकि कल लेंगे डुगू के पापा 3 बजे रात में गए थे ट्यूटिंग पे, तो हम लोग 3 बजे जग रहे, नींद नहीं आई थी मैडम क्योंकि जग चुकी थी 3 बजे, ये जगह तो हम लोग नहीं सो सकते थे, ये सोई है 6 बजे लेकिन हम लोग कैसे सोते, ये भी सो गए,
ये भी सो गई 6 बजे, ये भी सो गई 6 बजे। इनका 8 बजे से एग्जाम था इसलिए मुझे नहीं सोना था। फिर 8:30 बजे उठे तब तक एग्जाम का वो आ चुका था। तो ये सो चुके थे, ये भी सो चुकी थी ईशु जी। तो बज गया 6, अब मैंने कहा कि अब 6 बज गया। अगर 6 बजे हम सोते हैं तो पक्का है 12 बजे पहले दोपहर के नींद देंगे 100%, क्योंकि 3 बजे के उठे हुए हैं। तो इस वजह से नींद तो पूरी हुई नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी देर मोबाइल वाल देख लिया जाता है, मोबाइल में कुछ काम कर लिया जाता है। तो फिर मैंने अपना सोना कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या किए हैं, उठ गए, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है, हल्का फुल्का, ज़्यादा वैसे करते हैं नहीं, करते तो थोड़ा दुबले भी होते, वैसे करते बिल्कुल नहीं है। टहल लिया थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा टहल लिए, क्योंकि हम लोग की हमेशा प्लानिंग होती है कि तो क्या कहते हैं मम्मा चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह उठ के 6 बजे, लेकिन टायर टायर फिस हो जाता है हमेशा, हम लोग नहीं उठते हैं ना करते हैं, उठ जाते हैं 6 बजे, लेकिन ये कहे कि 6 बजे उठ के हम लोग एक्सरसाइज करते कभी नहीं होता है। एक दो तीन दिन होगा उसके बाद फिर कौन थे कौन करे आलस बहुत है, ये आलस दिखाता है। पहले भी हम तो जोश में उठते हैं, अरे चलो आज किया जाता है, चलो आज को एक्सरसाइज हो रही, हम थोड़ा सा वेट कम किया जाएगा, क्योंकि इसका भी पेट देखिए मोटू लाला का पेट अच्छा और मेरा भी तो है ही है, हम लोग खाते पीते करते हैं ना। हाँ हड्डी हम लोग खाते पीते करके ऐसे रहेंगे ऐसे ही। तो सुबह अपने कोई होता है इसलिए, तो मेरी रात के 3 बजे की नींद खुली हुई है। दोपहर में सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए सारा काम खत्म करके, लेकिन महानुभाव ये जो ठीक है वो उठ के बैठ गई। अब वो उठ के बैठ गई तो किसी कीमत पे मेरा सोना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो दोनों बच्चों को यहाँ ड्राइंग रूम में कर दिया जाए टीवी देख के खोले के लिए, तो मैडम हमारी भाग के मेरे पास आएंगी बेड पर, मम्मा मुझे गोदी दे दो। अब मम्मा इनको ले कि मम्मा सोए हैं, तो बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं मिला। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल भी आज आराम नहीं मिला है। ऊपर से अभी थोड़ा सा बाहर भी निकल गया तो पैर हाथ इतना दर्द हो रहा है। आज मुझे जल्दी सोना है, जल्दी भी सोना क्या यार, कल से मेरा व्रत स्टार्ट है, कल क्या रात की 12 बजे से व्रत स्टार्ट हो जाएगा, तो रात के 12 बजे ही मुझे सोना होगा आज फिर। लेकिन अगर आज हम सोएंगे सीधे सुबह 6 बजे में आँख खुलेगी, इससे पहले नहीं खुलेगी। और गाइस अगर मैं रात रात के 12 बजे सोती हूँ ना, पहले तो मैं सोता हूँ ना, मतलब जब मेरा एग्जाम नहीं होता है क्लास नहीं होती तो मैं उठती हूँ 12 बजे। जो कभी आता नहीं था, रात के 11 बजे उठ जाऊँ 12 बजे उठ जाऊँ नहीं, तब भी मैं 12 बजे उठूंगा। और अब एग्जाम है 8 बजे उठना पड़ता है, सोचो तभी का बहुत जल्दी है, 8 बजे उठते हैं तो बहुत जल्दी है। जब स्कूल खुला होता था इनका तो ये 7-6 बजे अपने आप उठ के बैठ जाते हैं। अब स्कूल 2 साल से बंद है तो आराम से 8 बजे, कहिए तो 9 बजे, कहिए 10 बजे ना उठाया जाए तो ये होता है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ठीक ही है, बच्चे क्या करेंगे सुबह सुबह उठ के वैसे भी, लेकिन अच्छी आदत यही होती है कि सुबह उठ के आराम से कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ताजी हवा खा लो जाके बाहर, चलते भी तो धूप होती है वाली। कहाँ धूप होती है, 5 बजे 6 बजे 5 बजे थोड़ी थोड़ी हवा, 6 बजे की अच्छी खासी हवा चलती है। उसको क्या कहते हैं, हम खुद नहीं जाते बाहर 6 बजे किचन में घुस जाते हैं, चल सारा काम ही करते हैं, ये गेट से बाहर निकल के पोर्च पे जान सकते हैं हम भी। उसको कपड़े तो कपड़े लाने के बाद सुनते हैं अभी का सुबह सुबह मैंने क्या बोल दिया। तो गाइस आज बहुत हैप्पी था हम, तो लिटरली बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और ये मेरी ये बैकबोन जो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, तो आज डिब्बू मेरी थोड़ा सा पीठ के ऐसे ये होता ना ऐसे बड़ा अच्छे से मालिश करता, कसम से ये ऐसे दबाता मैं ना ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ से, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं हाँ नहीं, नहीं। लेकिन दबाए मुझे पता है, थोड़ा सा दबा देगा तो अच्छा लगेगा मुझे। अभी नहीं और दर्द होने लगेगा सोते समय। चले गाइस मिलते हैं, चले खाना ना बना ले, 7 बज गया है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय।